हेलो इन्वेस्टर्स। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो गाइस शेयर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंट्राडे कॉल्स देता हूं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड तो वहां पे जाके चैनल के अंदर विजिट कर सकते हैं। तो गाइस इसके बारे में बात कर लेते हैं, शेयर के बारे में। मैं आज इसकी वीडियो इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, इसके अंदर पैनिक क्रिएट हो चुका है कि अब इसका क्या होगा। बीच में इसके अंदर हमको आज फ्लक्चुएशन देखने को मिला था, वो क्यों देखने को मिला था, कंटिन्यूस क्यों नहीं चला था, तो इसीलिए मैंने वीडियो अपडेट के लिए लेके आया हूँ। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर क्वांटिटी ट्रेडिंग क्या हुई है। एनएससी के अंदर करीब 2,69,90,044 क्वांटिटीज का ट्रेडिंग हुआ है और बीएससी के अंदर 4,68,38,264 करीब करीब डबल उसका हुआ है बीएससी के अंदर, और डिलीवरी उसके अंदर कुछ 3,09,00,000 के आसपास है। तो गाइस मैं अपनी पिछली वीडियो में पहले ही बता चुका था, या तो 9 रुपीज़ पर बाई करना है या फिर 14 के ऊपर। तो डेफिनेटली 14 के आसपास ही आ चुका है और 14 के ऊपर आप बाय नहीं कर पाओगे क्योंकि पॉसिबिलिटी इसके अंदर ये है कि अपर सर्किट रहेगा। हाँ, गिर सकता है क्योंकि शेयर है, हर एक शेयर के अंदर हमको गिरते हुए दिखता ही है, तो इसके अंदर भी हमको दिखेगा। तो मैं आपको एक टारगेट बताने हूँ कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर पहले भी मेरे को पूछ चुके हैं इसके बारे में कि हम इसे बाय करें या नहीं करें, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इसके अंदर गाइज अभी क्या होने वाला है, हमको पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी जो इस जगह पे है। जैसे आज इसके अंदर बहुत सारी ट्रेडिंग को ऊपर नीचे किया गया है, ऑपरेटर के तरीके से भी आप समझ सकते हैं या अपने तरीके से भी, जैसे भी लोगों ने बहुत सारा क्वांटिटी में से सेल किया है, बाय किया, ऐसा इसके अंदर हुआ है। तो फ्यूचर इसका ब्राइट है वो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्योंकि इसके अंदर SBI, LIC दोनों के दोनों कंपनी, ऐसे इसके बड़े बड़े नाम इसमें जुड़े हुए हैं। तो अभी इसके अंदर क्या होगा, अभी ये 13 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हमको स्टार्टिंग में ऐसा देखने को मिला था, लेकिन यहाँ से ऊपर जाएगा क्योंकि हम पूरा एनालाइज कर चुके हैं, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सब बता दिया है। तो टारगेट हमारा 14 के ऊपर बाय करने का था, पॉसिबिलिटी ये है इसके अंदर हमको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, तो 14 पे डेफिनेटली इसे बाय कर लीजिएगा, उठा लीजिएगा इसे। अगर नहीं मिलता है तो इसका अगला टारगेट 18 रुपये के आसपास होगा, 16 से 18 के बीच में इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, लोअर सर्किट के आसपास हमको देखने को मिल सकता है। टोटली लोअर सर्किट तो नहीं मिलेगा, वो भी फ्लक्चुएशन टाइप ही होगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो सकता है, ऐसे आज की तरह नहीं होगा जैसे आज हुआ था। तो गाइस उसके लिए एक स्ट्रेटजी है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप इन्वेस्ट करके भूल जाइए पैसा, आप सिर्फ न्यूज़ अपडेट देखते रहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो और पैसा कमाना चाहते हो इस शेयर से, तो आप लोगों को करना क्या है, जो मैंने कल किया था मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। कल मैंने 10,000 शेयर उठाए थे इसके और आज मैंने सेल कर दिए, मैंने सिर्फ इतना किया था और प्रॉफिट मेरे को +0.60 रुपीज़ पर शेयर के ऊपर हुआ था। तो यही मैं आपको एक टारगेट बताने जा रहा था क्योंकि इसके अंदर हमको जब भी लोअर सर्किट देखने को मिलेगा तब इसके अंदर बहुत सारी डिमांडें होंगी, लोग सेल करने लग जाएंगे, लोग बाय करने लग जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपके पास पहले से पड़ा है तो आपको सिर्फ एवरेज करने का और कुछ नहीं करने का है, लेकिन इसको अगर आप शॉर्ट रेट पर बाय कर रहे हो तो हाई रेट के ऊपर बेच दीजिए, और जब LC लगता है तो इसे फिर से बाय कर लीजिए, UC के अंदर फिर से बेच दीजिए। कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जिसके अंदर कंटिन्यूस हमको अपर सर्किट देखने को मिलेगा, हर एक शेयर के अंदर लोअर सर्किट मिलेगा ही मिलेगा, और लोअर सर्किट चांस है हमको प्रॉफिट बुक कराने के लिए। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आप यही करते होंगे कि इसके अंदर जब भी लोअर सर्किट लगता है तो उस टाइम पर हमको इसके अंदर उठाने की कोशिश करनी है क्योंकि हमें पता है ये शेयर आगे जाके ऊपर जाएगा, दिसंबर तक अच्छा खासा टारगेट अचीव कर लेगा ये, जो भी हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपडेट देना था कि हमको ये स्ट्रेटजी इसके अंदर फॉलो करनी है कि आप लोगों को जब भी इसके अंदर अच्छा टारगेट मिले तो इसे हमको बाय करके, और फिर LC लगने के बाद हमें इसे और बाय करना है, और थोड़ा भी UC लगे तो हमें इसे सेल कर देना है। जस्ट लाइक 11 रुपीज़ पे किसी ने बाय किया होगा तो वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं, और मैंने जैसे कल किया था मैंने +0.60 का इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया था 10,000 शेयर के ऊपर। तो गाइस यही छोटी सी एक न्यूज़ थी, पैनिक क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि अब शेयर के अंदर हमको कहीं ना कहीं लोअर सर्किट देखने को नहीं मिले, तो वही क्रिएट जो पैनिक हुआ था उसको दूर करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी सजेशन देने आया था जो मैं दे चुका हूँ। अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ आती रहेंगी।